दौर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अलग अलग प्रतिनिधि मंडल मिले और उनका आभार व्यक्त किया। अयोध्या पुरी और पुष्प विहार कॉलोनी के लोगों ने अपने प्लॉट मिलने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं सैन समाज के लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उनसे मिले। इसके बाद मुख्यमंत्री अयोध्या पुरी और पुष्प विहार सहकारी समिति के प्रतिनिधियों से मिले। सभी ने अपने प्लॉट मिलने पर उनका धन्यवाद किया। वहीं मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत भी करवाया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और गड़बड़ी करने वालों को दंडित किया जाएगा। विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मिलने के बाद रात्रि भोजन मुख्यमंत्री ने रेसिडेंसी में ही किया और रात वहीं रुके और तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह भोपाल के लिए रवाना हुए। मैं दो रैन बसोरों में गया था, एक स्टेशन के पास था और एक और था। दोनों में तो लोग मिले मुझे, सोते हुए भी जगते हुए भी, और सबने वहाँ की व्यवस्था की प्रशंसा की। भोजन भी लोगों को, एक मैं तो दीनदयाल रसोई ही एक रैन बसेरे से लगी हुई थी, मैंने बिस्तर चादर बाकी सब भी चेक किए, कंबल वो भी ठीक थे और अचानक गया था, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कोई मैनेज कर लिया होगा। और वहाँ जो लोग रुके हुए थे उन्होंने भी व्यवस्था के प्रति संतोष व्यक्त किया है और मुझे भी संतोष हुआ। मतलब ये मजदूर ग्रामीण पंचायत के लोग मिल रहे हैं, आपका आभार करना है किस तरह? अभी अभी चर्चा करते हैं, मतलब एक मिनट मिल तो हम इंदौर बार बार एसोसिएशन के नेतृत्व में केस शिल्पियों के संदर्भ में मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। उनसे हमने जो है केस शिल्पी बोर्ड का गठन वापस से किया जाए एवं जो है केस शिल्पियों का जो कार्ड वापस से बनना शुरू हो और अन्नपूर्णा खाद्यान्न योजना से उन्हें जोड़ा जाए। जैसे शहरी क्षेत्र में जो कारीगर काम कर रहे हैं उस योजनाओं से जुड़े हुए नहीं है, उनका भरण पोषण अगर हो जाता है अन्नपूर्णा खाद्यान्न योजना से तो एक बड़ा भाव उनके शरीर मतलब जीवन चलाने में अच्छा व्यवस्थित तरीके से संचालित होगा। राजेश सेन राम जी, इंदौर बार बार एसोसिएशन अध्यक्ष। हाँ, सीएम ने कहा सबको न्याय मिलेगा, सबका काम होगा, और उसमें थोड़ा सा हम लोग बस यही निवेदन करने वाले थे कि भीड़ में कह नहीं पाए कि सर थोड़ा सा भूमाफियाओं के प्रति आपने जो रुख अपनाया है उससे भी काफ़ी असर पड़ेगा और थोड़ी सी ज़्यादा कार्रवाई अपेक्षित है, और गहन अनुसंधान के बाद जो बैंक में बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं उन पर लगाम लगेगी तो ये प्रदेश बहुत राम राज्य की ओर बढ़ेगा, वरना अभी तो बहुत अशांति है। तो हम लोग भयभीत हैं और हम चाहते हैं कि श्रीमान का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हो कि जो भूमाफिया है उसकी बहुत पहुंच है और वो अपने को बच के निकलने का पूरा प्रयास करता है और हम लोग हार थक जाते हैं, पुलिस भी हमें सहयोग नहीं करती, इस व्यवस्था में थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। एन के मिश्रा महाशय।